बेसिक कंपोनेंट ऑफ आई, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करेंगे अपन। यहाँ पर कौन कौन से कैसे फंक्शन होते हैं, स्पेशल ऑर्गन होता है किसके लिए, लाइट या फोटोसेंसिटिव ऑर्गन, इज कॉल्ड द आई। ठीक, स्पेशली आई वॉल को देखने की कोशिश कर रहे हैं इसमें कुछ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को क्या देखना है, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द आई। आउटर कवरिंग जो आई की है उसको क्या बोलते हैं अपन, आउटर लेयर या प्रोटेक्टिव लेयर। कौन सी, आउटर प्रोटेक्टिव लेयर, प्रोटेक्टिव कोट लेयर आर कोट। ओके, सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको, ये स्पेशल स्ट्रक्चर जो किसका बना हुआ है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का, टफ और हार्ड। ठीक है ना, प्रोटेक्टिव लेयर इज कॉल्ड द स्क्लेरा एंड सम ट्रांसपेरेंट पार्ट, एंटीरियरली ट्रांसपेरेंट पार्ट इज कॉल्ड कॉर्निया। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर देखने की कोशिश कर रहे हैं, आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड द आउटर लेयर या प्रोटेक्टिव लेयर। प्रोटेक्टिव लेयर किसकी बनी हुई है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की। ठीक, टॉप पार्ट कॉल्ड व्हाइटिश एंड टॉप पार्ट इज कॉल्ड द स्क्लेरा एंड ट्रांसपेरेंट मोस्ट एंटीरियर पार्ट इज कॉल्ड द कॉर्निया। सेकेंड कंपोनेंट इसमें क्या पाया जाता है, स्पेशली सेकेंड कंपोनेंट जिसकी अपन क्या बात कर रहे हैं, मिडल कोट या मिडल लेयर, मिडल कोट या मिडल लेयर। ठीक, इसको भी और क्या कह सकते हैं अपन, वास्कुलर, हाईली वास्कुलर स्ट्रक्चर। यहीं से ही क्या बनते हैं, कोरियो कैपिलरीज, कोरियो कैपिलरीज। यहां पर कोरियो कैपिलरीज कह नहीं सकते, एक्चुअली सिर्फ नाम के लिए वैसा यूज कर रहे हैं, होते यहां पर क्या है, साइनोसोइड्स। ठीक, या न्यूट्रिटिव लेयर ऑफ आई, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने वाले स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द मिडल कोट ऑफ आई। ये स्पेशल स्ट्रक्चर थ्री कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। ठीक, वो तीन कंपोनेंट कौन कौन से हैं, सबसे पहला कंपोनेंट जो आपको दिखाई दे रहा है यहां पर, मोस्ट पोस्टीरियर पार्ट, मोस्ट पोस्टीरियर पार्ट इज कॉल्ड द क्रोइड। सम एंटीरियर बल्ज लाइक स्ट्रक्चर, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द सीलियरी बॉडी। एंड थर्ड, डायफ्राम ऑफ द आई कॉल्ड आयरस। तीन कंपोनेंट से मिलकर बने कौन से, कौन सी कोट, वास्कुलर या न्यूट्रिटिव कोट, वास्कुलर या न्यूट्रिटिव कोट, उसी को क्या बोलते हैं अपन, मिडल कोट ऑफ आई। कौन कौन से, सबसे फर्स्ट इज क्रोइड, सेकेंड इज सीलियरी बॉडी एंड थर्ड इज आयरस। इस सीलियरी बॉडी से ही एक स्पेशल स्ट्रक्चर, एक स्पेशल स्ट्रक्चर वायर लाइक प्रोजेक्शन, कैसा, वायर लाइक सस्पेंशन युक्त, कैसा, सस्पेंशन। ठीक है ना, सस्पेंशन युक्त जो एक स्पेशल स्ट्रक्चर को होल्ड करके रखता है, उस स्पेशल स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, लेंस। और जो ये सस्पेंशन, इनके नाम से ही क्लियर है, कौन से लिगामेंट होंगे, ये सस्पेंसरी लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट। ठीक है, उसके बाद ये दो लेयर कुछ स्ट्रक्चर, तीसरी लेयर कौन सी है, स्पेशल लेयर, इनर लेयर ऑफ आई, इनर लेयर ऑफ,
या इनर कोट ऑफ आई। इनर कोट जो है या इनर लेयर जो जिसके कारण हम आई को क्या कह सकते हैं, सेंसरी ऑर्गन। ठीक, इसी लेयर के कारण ही हम आई को क्या कहते हैं, सेंसरी ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन। ठीक है, पहला इसके दो कंपोनेंट हैं। इनर कोट के कितने कंपोनेंट, इनर कोट या इसके दो कंपोनेंट। सबसे ये आउटर मोस्ट, आउटर मोस्ट, आउटर मोस्ट का मतलब क्या, जो सीलियरी सॉरी कुरोइड पार्ट के साथ में कंटिन्यू है, ये वाला जो पार्ट है कुरोइड के साथ में जो कंटिन्यू है इसको क्या बोलते हैं, पिगमेंटेड लेयर ऑफ द आई, पिगमेंटेड लेयर ऑफ आई या पिगमेंटेड एपिथेलिया ऑफ द इनर कोट ऑफ आई। ये कंटिन्यू किसके कहां कहां तक जाता है, कंटिन्यू होता है ये सीलियरी बॉडी एंड पोस्टीरियर ऑफ द आयरस। कहां तक कंटिन्यू है इसका कंटिन्यूएशन, सीलियरी बॉडी एंड पोस्टीरियर ऑफ आयरस। ठीक, उसके बाद इस पे एक और लेयर होती है, इनर लेयर होती है जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, स्पेशल टाइप इज कॉल्ड द न्यूरल लेयर, न्यूरल लेयर। ये पिगमेंटेड एपिथेलिया, सुनना, ये पिगमेंटेड एपिथेलिया इसके पास रॉड एंड कॉन सेल्स नहीं पाए जाते, डज नॉट हैव रॉड एंड कॉन सेल्स। और न्यूरल लेयर लेयर ऑफ आई स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसमें स्पेशल टाइप की सेल्स पाई जाती हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेशली क्या करती हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, मतलब एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस करती हैं। ठीक, उसकी इनर लेयर जो होती है वो क्या कहलाती है, ये इनर लेयर न्यूरल लेयर, जिसके पास क्या है, रॉड एंड कॉन सेल, और ये कुछ मार्जिन तक ही प्रेजेंट होती है। जब हम आई का कोरोनल सेक्शन लेते हैं, ठीक है, जब आई का कौन सा सेक्शन, कोरोनल सेक्शन, ठीक, सपोज कोरोनल सेक्शन ऑफ आई, ठीक, और कहां पर ये कौन सा जंक्शन पाया जाता है, कॉर्नियो स्क्लेरल जंक्शन, ठीक है ना, कॉर्नियो स्क्लेरल जंक्शन। कोरोनल सेक्शन एंड कॉर्नियो स्क्लेरल जंक्शन के बिल्कुल मिडल में एक पॉइंट होता है जहां पर रॉड एंड कॉन सेल्स टर्मिनेट हो जाती हैं। ठीक, इनके इन दोनों के बीच में एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर रॉड एंड कॉन सेल्स टर्मिनेट हो जाती हैं, और इस टर्मिनेशन पॉइंट को ही एक स्पेशल नाम दिया गया है, ओरा सेरेटा। ठीक, ओरा सेरेटा, ओरा सेरेटा के पोस्टीरियर एक जेली जेली लाइक सब्सटेंस भरा हुआ होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, विट्रियस ह्यूमन या विट्रियस बॉडी। और इसके एंटीरियरली, मतलब कहना यह भी चाहिए कि इसके एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट में दो सब्सटेंस भरे होते हैं। एंटीरियर पार्ट में स्पेशली कौन सा सब्सटेंस भरा हुआ होता है, एक्वस ह्यूमन या एक्वस बॉडी या एक्वस ह्यूमन। ठीक, और पोस्टीरियर लेंस यहां पर नॉर्मल कह सकते हो कि लेंस के एंटीरियरली एंड लेंस के पोस्टीरियरली एक स्पेशल जेली लाइक सब्सटेंस, ठीक, गाढ़ा चिपचिपा द्रव भरा होता है जो जिसे अपन क्या कहते हैं, विट्रियस ह्यूमर या विट्रियस बॉडी, और इसके एंटीरियरली एक ह्यूमर भरा होता है जिसको अपन क्या कहते हैं, एक्वस ह्यूमर। एंड क्लियर, समझ में आया, तो फिर यहां पर रिकॉल करते हैं अपन। सबसे पहले क्या देखेंगे अपन, आउटर मोस्ट लेयर, आउटर व्हाइट कलर आपको दिख रहा है आउटर में, आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड द प्रोटेक्टिव लेयर। ठीक है, ये किससे बना हुआ है, कुछ फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू से, और ये कितने स्ट्रक्चर से बना हुआ है, दो स्ट्रक्चर से, स्क्लेरा एंड कॉर्निया। ठीक, स्क्लेरा व्हाइट पार्ट आपको आंखों में दिखाई दे रहा है, व्हाइट पार्ट इज कॉल्ड द स्क्लेरा, एंड कॉर्निया इज अ ट्रांसपेरेंट मोस्ट एंटीरियर पार्ट इज कॉल्ड द कॉर्निया। ठीक, ये दोनों कहां पर मिलते हैं, टफ पार्ट और ये ट्रांसपेरेंट पार्ट, इसको क्या बोलते हैं, स्क्लेरो कॉर्नियल जंक्शन। सेकेंड लेयर या मिडल लेयर या वास्कुलर लेयर या न्यूट्रिटिव लेयर ऑफ द आई
या मिडल कोट ऑफ आई, स्पेशली थ्री कंपोनेंट्स प्रेजेंट कॉल्ड द सबसे फर्स्ट पार्ट इज नोन है, जो ये आपको ग्रीन ग्रीनिश पार्ट में दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, इज कॉल्ड द कोरोइड एंड मोस्ट एंटीरियर ट्रायंगुलर पार्ट है बल्ज, इज कॉल्ड द सीलियरी बॉडी, और इस सीलियरी बॉडी के मोस्ट एंटीरियर पार्ट में एक और लेयर पाई जाती है, एक कहना चाहिए कि बल्ज टाइप स्ट्रक्चर डायफ्राम ऑफ द आई इज कॉल्ड द आयरस, ठीक। यहीं पर एक स्पेशल स्ट्रक्चर और होता है, ठीक है ना, इस ट्रायंगुलर पार्ट से ही कुछ एक्सटेंशन वायर लाइक एक्सटेंशन निकले हुए होते हैं, ये वायर लाइक एक्सटेंशन किसको होल्ड करके रखते हैं, आई के लेंस को, और लेंस कैसा होता है, बाई कॉनवेक्स, ठीक, बाई कॉनवेक्स, उभय उत्तल, दोनों साइड से उत्तल, ठीक है ना, एक इसके पेरिफेरी पार्ट से इसको होल्ड करके रखते हैं। उसके बाद तीसरी लेयर या इनर कोट ऑफ आई, इनर कोट ऑफ आई कितने पार्ट से बना हुआ है, दो पार्ट से, फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड द पिगमेंटेड एपिथेलिया या पिगमेंटल लेयर ऑफ इनर पार्ट, ये जो आपको ये व्हाइट कलर में दिख रहा है आउटर मोस्ट है, ठीक है ना, आउटर मोस्ट जो कंटिन्यू है कोरोइड पार्ट के साथ में उसको क्या बोलते हैं, पिगमेंटेड एपिथेलिया, और यह पिगमेंटेड एपिथेलिया पूरी तरह से पोस्टीरियर एंटीरियर एंड मोस्ट पोस्टीरियर ऑफ आइरिस तक कंटिन्यू होता है, ठीक। इसके साथ में बिल्कुल इनर स्पेशल सेंसरी लेयर, ठीक है ना, स्पेशल सेंसरी लेयर हैव द रॉड एंड कोन सेल आर नोन एज न्यूरल लेयर ऑफ द आई, ये न्यूरल लेयर कुछ एक पॉइंट तक ही कंटिन्यू होती है, उस पॉइंट को अपन ने एक स्पेशल नाम दिया ऑरा सेरेटा, इस ऑरा सेरेटा तक ही, मतलब कहना चाहिए कि इस ऑरा सेरेटा पॉइंट तक ही रॉड एंड कोन सेल्स आर टर्मिनेटिंग हियर, इस पॉइंट में टर्मिनेट हो जाती है, ठीक। उसके आगे जो लेयर पाई जाती है इस न्यूरल लेयर की उसको न्यूरल एपिथेलिया कहते हैं, ठीक। उसके आगे सेंसिटिव लेयर नहीं पाई जाती, रॉड एंड कॉन सेल्स नहीं पाई जाती, उसके बिल्कुल पूरा पीछे ही पाई जाती है, ठीक है ना। अब इन दोनों लेयर को मिला करके ही क्या नाम दिया गया है, रेटिना, स्पेशल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी या ह्यूमन कॉल्ड द रेटिना, स्पेशली फोटो सेंसिटिव लेयर ऑफ ह्यूमन बॉडी या आई, ठीक। दैट्स इट, क्लियर, थैंक यू।